फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित तिवारी ब्लॉग्स। तो आप सबको जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तक मेरी खांसी नहीं खत्म हुई। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं यही कामना करूंगी कि आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी रहे, आप लोग भी बहुत अच्छे रहे। तो हम लोग देखिए, आज मेरे नवरात्रि के पांचवा दिन का लुक और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिन का अभी आएगा ब्लॉग, क्योंकि मैं काफी बिजी हूँ। और गाइस, मैं 12 बजे सोती हूँ और 4 बजे सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, माता को नाश्ता बनाती हूँ। देखिए इधर हम लोग, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ना मैं शॉर्ट्स डाल पाती, ना लॉन्ग वीडियो डाल पाती। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल पे बने रहना। आपको एकदम मस्त कड़ाक वाले ब्लॉग मिलेंगे और आपको मेरी धमाकेदार एंट्री भी होने वाली है कुछ ही समय में डांस की। तो आप लोग को मैं पूरे वीडियोस सेंड, मतलब ब्लॉग में डालूंगी और आप लोग देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। जय माता दी। चलिए अब दिखाते हैं अपने बाहर का लुक, बाहर के बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए, बाहर बहुत सारी भीड़ है। और आज मैं नाश्ते में माता रानी के भोग में बनाई हूँ खीर पूड़ी और मगज का लड्डू है और केला नारियल ये सब है। तो फर्स्ट टेन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले दूसरे और तीसरे और चौथे दिन का ब्लॉग आएगा, जल्दी आएगा। आप लोग बस हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और नवरात्रि की आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग नवरात्रि में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और देखिए, मैं 12 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, फिर भी मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे माता रानी की भक्ति में, माता रानी की भक्ति में शक्ति होती है, इसीलिए। तो अब चलिए दिखाते हैं अपने बाहर का लुक। ये देखिए, गधी सो रही है, ये देखिए सो रहे, जग रहे हैं, थकी है बेचारी तो सो रही हुई। ये भी मेरे साथ सोती है। अचिन जी बाहर सोते हैं, पंडा बने हैं, पंडा जी बने हैं माता जी के, तो पंडाल में सोते हैं बाहर। आप लोगों को आरती वगैरह नहीं आ पाती, क्योंकि अब देखिए तो मैं बहू और बाहर वीडियो कैसे बना सकूं, क्योंकि मैं आरती वगैरह गाने में बिजी हो जाती हूँ। ये लोग पागल लोग बनाते ही नहीं, ये लोग सब बिजी हो जाते हैं। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको लोग बाहर का। सो फ्रेंड्स, मैं बाहर जा चुकी हूँ और बाहर गई तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पंडाल में काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ कन्याएं सभी लोग बैठे हुए हैं और मैं सबके साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे डीजे चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता। और देखिए मेरा लुक, मैं कैसी लग रही हूँ, चुप चुप, मैं छुप छुप के थोड़ी थोड़ी बोल रही हूँ, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया पूरा कट करके, ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। ये है मेरी गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा मानती है। ये देखिए, इसका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है, आसी है ये। ये भी बहुत अच्छी है, ये मीठी, ये पंडित जी हैं जो दुर्गा पाठ कर रहे हैं। और मेरी माता रानी अचिन जी बैठे हैं अपनी बहन से दरबार करते हुए। और ये देखिए, छोटा बच्चा बहुत शैतान है, खेल पंडा यहाँ हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है हमारे दुर्गा जी के पंडाल में, सो वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, जहाँ दुर्गा माता हो वहाँ छोटे छोटे बच्चे न हो तो क्या। देखिए मेरी माता रानी, दिखाऊंगी मैं लास्ट के वीडियो की क्लिप में, माता रानी भी दिख रही है इसी वीडियो में। इधर देखिए, मेरी सुप्रिया कुछ बात कर रही है मेरे से, अब याद नहीं है, मैं बताती हूँ आपसे ज़रूर। और आसी देखिए, कितना प्यारा दरबार लगा हुआ है। ये देखिए आसी और सुप्रिया का दरबार कितना प्यारा लगा हुआ है। मेरी सुप्रिया छोटे छोटे बच्चों को पा जाती है, तो वैसे भी वो छोटी बच्ची ही हो जाती है, उसे बहुत पसंद, खुशी बैठी है, मीठी बैठी है। देखिए मेरी माता रानी, ये जय माता दी आप सभी को। आपका परिवार हमेशा खुश रहे,
आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये गीत फिर से मेरे से कुछ कह रही है, देखिए इधर ढोलक बजने की तैयारियां होने लगी। हे भगवान, पंडित जी कर रहे हैं दुर्गा पाठ, बहुत अच्छा लग रहा है नवरात्र। ऐसा लगता है कि मतलब लग ही नहीं रहा कि आज दुर्गा जी का 5वां दिन है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि ये बस चलता रहे, कभी जाए ना, क्योंकि पता नहीं उनकी क्या शक्ति है, क्या माया हो जाती है। मतलब लगता है कि जब वो जाए ना बस यहीं बैठ ही रहें। और देखिए इन लोगों का दरबार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये दोनों अभी से बातें कर रही हैं, कितने प्यार से बातें हो रही। उधर खुशी बैठी हुई है, ये देखिए आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आपके यहाँ भी दुर्गा माता विराजमान होंगी, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि माता रानी ना जाएं कभी भी। और मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि मतलब मेरी माता रानी कभी ना जाएं, क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा जिस दिन वो जाएंगी। आज पंचमी का दिन है और पंचमी के दिन माता रानी का मैंने आज सुबह ही उनको पूजा की, दुर्गा चालीसा पढ़ी। और ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको माता जी को अपनी, मिल माता जी कितनी क्यूट लग रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं मिल माता जी। और रात में तो इनका लुक और ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब रात में और अच्छी लगने लगती हैं ये। ये देखिए गीत कितने प्यार से बातें कर रही है, इधर देखो पागल को, गीत से सब बनता है। मतलब वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार है, और मतलब डांस करने में भी, गाना गाने में भी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी और बहुत होशियार लड़की है। उधर राज भैया भी बैठे हुए हैं, ये देखिए राज भैया का दरबार कोई देख लो भाई, ये अपनी बुआ जी से दरबार लगाए हुए हैं। पता नहीं बुआ जी हैं उत्तरा जी के, पता नहीं क्या हैं। अचिन जी बैठे हुए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से, कितना प्यारा बच्चा है, ओ माय गॉड, वो कुछ बातें कर रहा है। इधर देखिए भैया जी बजा रहे हैं ढोलक, ये देखिए कितने प्यार से ढोलक बजा रहे हैं। अब बनती हो चंदिया ना बनती हो, लेकिन बजा तो रहे हैं अपनी भक्ति से ही वो। बच्चा पार्टी जिंदाबाद, इधर देखिए बच्चा पार्टी को, लोग कितने प्यार से रह रहे हैं। पंडित जी का पाठ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पंडित जी डेली एक पाठ जरूर करते हैं, माता का डेली पाठ उनका शुरू होता है। इधर बच्चा पार्टी का दरबार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और आप देख लीजिए मुझे मिट्टू को, मेरा लुक देख। मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अपना मैं बार बार आज लुक दिखा रही, क्योंकि मुझे ही फील हो रहा कि आज मैं काफ़ी सुंदर लग रही हूँ। पैदा तो मैं सुंदर ही हुई थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही हूँ, क्योंकि मेरी ननद रानी मुझे तैयार किया है, और वो साड़ी बहुत अच्छी मम्मी लेती है मिलने। सो फ्रेंड्स, समागी का ब्लॉग जल्दी ही आएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी जल्दी मेरा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।